तीसरे ही दिन इंग्लैंड का काम तमाम, गेंदबाजों ने जिताया भारत को हारा हुआ मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वीआईपी टीवी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, चौथे और आखिरी टेस्ट में भी भारत ने इंग्लैंड को आज तीसरे ही दिन रौन दिया है। बल्लेबाजी में आज सुंदर की खतरनाक पारी के बाद गेंदबाजी में अक्षर पटेल और अश्विन ने मिलकर अंग्रेजों को धूल चटाकर इतिहास रच दिया है। आपको बताएंगे भारतीय टीम के चमत्कारी गेंदबाजी के बारे में, कैसे एक ही सेशन में पूरी इंग्लैंड की टीम ढेर हो गई। बताएंगे टीम इंडिया की जीत की पूरी स्क्रिप्ट, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वही दोस्तों, अगर आप अक्षर और अश्विन को एक खतरनाक स्पिन जोड़ी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पुजारा, कोहली और गिल के खराब बल्लेबाजी के बाद भारतीय टीम चौथे टेस्ट को लगभग हार चुकी थी, क्योंकि एक समय भारत के 6 विकेट सिर्फ 146 रन पर गिर गए थे। तो ऐसे में अंग्रेज गेंदबाज पूरी तरह टीम इंडिया पर हावी हो चुके थे और अंग्रेजों को अपनी जीत तय लग रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जब तक भारतीय टीम घायल नहीं होती उसे शिकार को मारने में मजा ही नहीं आता। जी हाँ, जब लगा टीम इंडिया इस मैच में पिछड़ गई है, तब ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर ने मोर्चा संभाल लिया। पंत ने भारतीय धरती पर अपना पहला शतक जड़ते हुए 118 गेंदों पर 13 चौके और 2 छक्के की मदद से 101 रनों की पारी खेली। वहीं पंत ने 7वें विकेट के लिए सुंदर के साथ 113 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। पंत के आउट होने के बाद इस सीरीज में गेंद से धमाल मचा चुके अक्षर पटेल ने बल्लेबाजी में हाथ दिखाए। उन्होंने भी सुंदर के साथ शतकीय साझेदारी निभाई और अंग्रेजों को पानी पिला दिया। हालांकि दोस्तों, इस बात का अफसोस है कि सुंदर अपना शतक पूरा नहीं कर पाए। वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 96 रनों की पारी खेली थी। दोस्तों, एक समय ऐसा लग रहा था कि वह बड़े ही आसानी से शतक लगा लेंगे, लेकिन अक्षर पटेल के रन आउट होने के बाद बाजी पलट गई और एक के बाद एक ईशान शर्मा और मोहम्मद सिराज ने अपना विकेट गंवा दिया, जिससे सुंदर नॉन स्ट्राइकर छोर पर ही खड़े रह गए और टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। फिर सुंदर 4 रन से अपना शतक बनाने से चूक गए और उन्हें नाबाद लौटना पड़ा। लेकिन दोस्तों, सुंदर की 96 रनों की बेहतरीन पारी की बदौलत भारतीय टीम इंग्लैंड पर 160 रनों की बड़ी बढ़त लेने में कामयाब हो गई और यही बढ़त इंग्लैंड के हार का बड़ा कारण बना। जी हाँ, 160 रन की बढ़त इंग्लैंड पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाल दी, जिससे इंग्लैंड के बल्लेबाज शुरुआत से ही दबाव में बल्लेबाजी करने आए। उनके मन में पहले ही हार तय लग रही थी और यही दबाव का फायदा भारतीय गेंदबाज अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने खूब उठाया। जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आई इंग्लैंड को एक के बाद एक बड़े झटके शुरुआत में ही दे दिए। इंग्लैंड के ओपनर एक बार फिर भारतीय स्पिन गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए और सिर्फ 10 रन ही जोड़ पाए। दोस्तों, इंग्लैंड को पहला झटका 10 रन पर अश्विन ने दिया, जब लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर अंग्रेजों की कमर तोड़ दी। जी हाँ, पहले ओपनर जैक राउली को रहाणे के हाथों कैच आउट करवाया तो अगली ही गेंद पर जॉनी बेस्टो को खाता भी नहीं खोलने दिया और इस तरह 10 रन पर ही इंग्लैंड के 2 विकेट गिर गए और यहीं से अंग्रेजों की पतन का स्क्रिप्ट अश्विन ने लिख दिया। लेकिन इसे पूरा किया अक्षर पटेल ने, जिन्होंने एक बार फिर अंग्रेजों पर कहर बनकर टूटे और एक नया इतिहास रचते हुए लगातार 5 विकेट अपने नाम किए। दोस्तों, दूसरी पारी के आधे घंटे में ही इंग्लैंड की हार आज तय हो गई थी, जब पहले सेशन में ही 65 रन पर इंग्लैंड के 6 विकेट गिर गए थे। उसके बाद बाकी बचे विकेट को चाय के बाद अक्षर और अश्विन ने मिलकर निपटा दिया। हालांकि एक छोर पर डेनियल लॉरेंस टिके रहे और इंग्लैंड की हार को टालने की कोशिश खूब करी, लेकिन ये भारतीय स्पिन जोड़ी ने दूसरी छोर पर किसी को टिकने दे ही नहीं रहे थे। दोस्तों, ये दोनों भारतीय स्पिनरों की जितनी तारीफ की जाए कम होगी, इनकी बदौलत ही भारतीय टीम इस सीरीज को बड़े आसानी से जीत पाई। इंग्लैंड की बल्लेबाजी की पोल इस मैच में पूरी तरह से खुल गई है। डे नाइट टेस्ट में पिच का रोना रोने वाले इंग्लिश खिलाड़ी इस मैच में अपने नाकामियों को छुपा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसी पिच पर ऋषभ पंत और सुंदर ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है। तो ऐसे में हार के बाद के ही देश के दिग्गज इंग्लिश खिलाड़ियों की जमकर क्लास ले रहे हैं। तो दोस्तों, आपको भारतीय टीम की शानदार जीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।